बच्चों मैं आपकी सोशल साइंस के एजुकेटर निहारिका और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले, is, nice -फड़ से इसको हम दो पार्ट्स में फिनिश कर लेंगे है? तो लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ठीक है? तो है फर्स्ट प्रिंटेड बुक से अब ये सोचो प्रिंटिंग जो है अभी अभी स्टार्ट हुई है रिसेंटली पता स्टार्टिंग में ऐसा तो है नहीं कि पहले से प्रिंटिंग मशीन हुआ करती थी प्रिंट होता था नहीं रिसेंटली प्रिंट जो है कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ है ठीक है तो फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स तो भाई प्रिंट इन चाइना देखेंगे हम उसमें द अर्लिएस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड इन चाइना जापान एंड कोरिया तो जो प्रिंट टेक्नोलॉजी पहले यूज होती थी वो डेवलप हुई थी कहां पे चाइना जापान और कोरिया में ठीक है

जो अर्बन urban, मतलब अर्बनाइजेशन हो रहा था अर्बन कल्चर आया चाइना में और प्रिंट जो है डाइवर्सिफाई हो गया प्रिंट कल्चर भी अच्छा हो गया मर्चेंट्स यूज्ड प्रिंटेड मटेरियल इन दर मर्चेंट्स क्या होते थे जो ट्रेड करते हैं जो इधर से उधर जाते हैं है ना ट्रेड ट्रेड करते हैं गुड्स सप्लाई करते हैं तो वो अपने एवरीडे लाइफ में प्रिंट मटेरियल यूज किया करते थे शांघाई जो है वो हब बन गया था न्यू प्रिंट कल्चर का तो नया प्रिंट कल्चर का हब कौन था शांघाई ठीक है शांघाई बिकेम वेरी फेमस ओके अब हम बात करेंगे प्रिंट इन जापान अभी हमने देखा प्रिंट इन चाइना ठीक है तो बुद्धिस्ट मिशनरीज ऑफ चाइना इंट्रोड्यूस हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान अराउंड चाइना के बुद्धिस्ट मिशनरीज थे इस टाइम के अराउंड उन्होंने जापान में हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी ठीक है सो तो ऑल जापानीज बुक

इन द इलेवेंथ सेंचुरी चाइनीज पेपर रीच यूरोप थ्रू सिल्क रूट तो सिल्क रूट बहुत फेमस हुआ करता था तो सिल्क रूट की मदद से जो चाइनीज का जो चाइना का पेपर था वो पहुंच गया कहा यूरोप ठीक है तो 1295 में दैट इज मार्को पोलो ब्रॉट द नॉलेज ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटेड टेक्नोलॉजी टू इटली तो बारह में मार्को पोलो नामक एक इंसान थे ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटेड जो चाइना में होती थी ना ये लेके आई ये इस टेक्नोलॉजी को इटली में ठीक है टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ बुक्स बुक सेलर स्टार्टेड गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू स्क्रिप्ट एंड स्किल्ड हैंडराइटर्स अब लोगों की ना डिमांड बढ़ रही थी बुक्स की ठीक है अब उस डिमांड को पूरा करने के लिए जो बुक सेलर्स थे उन्होंने एम्प्लॉयमेंट देना स्टार्ट किया जो स्किल्ड हैंड राइटर्स हुआ करते थे उनको ठीक है तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट कुड नॉट सेटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ बुक्स पर भाई डिमांड बहुत ज्यादा हो रही थी अब हाथ से आप कब तक लिखोगे ना कब तक लिखते रहोगे तो हाथ से जो लिखते थे हाथ से जो लिख लिख के बुक्स बनाते थे तो वो जो हाथ की लिखावट वाली किताबें जो डिमांड है पूरा नहीं कर पा रही थी ठीक है उसके बाद रीजन फॉर द ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग इन यूरोप आफ्टर ट्वेल्व फाइव तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग लेके आए कौन लेके आए थे मार्कोपोलो लेके आए थे ठीक है क्यों भाई क्योंकि डिमांड पूरी नहीं हो रही थी बुक्स की ठीक है तो दिस टेक्निक वाज विद चाइना फर्स्ट तो सबसे पहले ये चाइना के पास थी टेक्निक वहां से ये लेके आए ठीक है मार्को पोलो इटली आए वापस और ये नॉलेज अपने साथ लेके आए अब इटालियन जो है वो वुड ब्लॉक का यूज करके बुक्स जो है प्रोड्यूस करने लगे ठीक है तो क्योंकि डिमांड ज्यादा बढ़ रही थी और हाथ से लिखावट वाली जो किताबें हैं वो डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही थी तो इन्होंने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग यूज करना स्टार्ट कर दिया और ये जो टेक्नोलॉजी है फिर धीरे 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 दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में फैल गई ठीक है तो बिकॉज द डिमांड वॉज नॉट फुलफिलिंग है ना बिकॉज ऑफ द डिमांड दिस टेक्नोलॉजी केम टू यूरोप केम टू यूरोप ओके नाउ नेक्स्ट अब वेलम क्या होता है? एक पार्चमेंट होता है जो एनिमल्स की स्किन से बना हुआ होता है ठीक है मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है ये क्या होता है कॉपी होती है ये ठीक है पाम लीव्स पे भैया आपने किसी चीज को कॉपी करके लिख दिया या फिर हैंडमेड पेपर है उसके ऊपर आपने कॉपी करके लिख दिया ठीक है तो हाथ से लिखा हुआ है ठीक है तो दैट इज मैन्यूस्क्रिप्ट ठीक है तो वेलम क्या है एक पार्चमेंट ठीक पेपर काइंड ऑफ थिंग जो कि एनिमल की स्किन से बनता है मैन्यूस्क्रिप्ट पाम लीव्स पे आपने कॉपी कर दिया कुछ या फिर क्या हैंडमेड पेपर पे दैट इज मैन्यूस्क्रिप्ट ठीक है अब लिमिटेशन क्या है मैन्यूस्क्रिप्ट की तो ये बहुत एक्सपेंसिव होती है ठीक है और फ्रेजाइल मतलब टूट जाती इजिली टूट जाती मतलब इजिली बिखर जाए

ये ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि क्या रीजन है जो मैन्युस्क्रिप्ट का प्रोडक्शन जो है वो सैटिस्फाई नहीं कर क्यों कैसे सैटिस्फाई करेगा भाई तुम हाथ से कितनी किताबें लिख दोगे हाथ से हैंड रिटन बुक्स तुम कितनी लिख दोगे और कैसे जो डिमांड है उसको पूरा करोगे इट वॉज कहते ना इट वॉज नॉट एबल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द बुक्स ठीक है

जो यूरोप में प्रिंट कल्चर राइज हुआ तो अभी मैंने अभी मैंने बताया ना मैन्यूस्क्रिप्ट इजी टू हैंडल नहीं थी लोग बाग उसको रीड भी नहीं कर पाए थे ढंग से ठीक है डिमांड ऑफ बुक्स को वो फुलफिल नहीं कर रही थी तो यही चीज है कि सेटिसफाई नहीं कर रही थी मैन्यूस्क्रिप्ट डिमांड ऑफ बुक्स को ठीक इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ बुक्स को कॉपिंग बहुत एक्सपेंसिव था ठीक है बहुत टाइम लगता था लेबोरियस था मैन्यूस्क्रिप्ट बहुत जल्दी टूट जाते थे हैंडल नहीं कर पाते थे उनको पर जब वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आई वुड ब्लॉक वर यूज फॉर द प्रिंटिंग बाय अर्ली फिफ्टीन सेंचुरी बट दिस कुडेंट केटर टू द इवन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर प्रिंट मटेरियल्स, ठीक है जब वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आई तो कुछ हद तक तो क्या हुआ कुछ हद तक ये डिमांड कंप्लीट हुई मतलब डिमांड फुलफिल हुई उससे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से पर फिर भी इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई थी आ, बुक्स की कि वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग भी उसको फुलफिल नहीं कर पा रही थी तो फिर एक नीड आ गई थी एक नीड पैदा हो गई थी कि जो बुक्स हैं वो क्विकली प्रोड्यूस हो सके एकदम क्विक और बहुत चीप रेट में है ना क्योंकि सब लोग उतनी हाई फाई बुक्स को नहीं अफोर्ड कर सकते तो क्विकली और चीप रेट में हमको क्या मिल जाए हमको बुक्स मिल जाए तो ऐसा भाई नीड बन गई थी ठीक है तो भाई गुटनबर्ग आए पहले अब यहाँ पे गुटनबर्ग हीरो बन के आते हैं एंड द प्रिंटिंग प्रेस ठीक है तो गुटनबर्ग एक मर्चेंट के बेटे थे ठीक है भाई एग्रीकल्चरल बहुत अच्छा खासा था उनका तो वहां पे ये मतलब पले बड़े थे ठीक है एग्रीकल so, लैंड और इस्टेट uh, में पले बड़े थे ये तो so, इन्होंने ये देखा था सबसे आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन्स बिकेम अस्टर गोल्समिथ एंड ऑल्सोड एक्सपर्टीज टू क्रिएट लेड मोल्ड यूज फॉर मेकिंग ट्रिंकट्स ठीक है तो so, भैया उन्होंने ना एक स्टोन को पॉलिश करने की कला सीख ली थी और वो बहुत अच्छे गोल्ड स्मिथ बन गए थे और वो ना मोल्ड्स बनाते थे बहुत अच्छे ठीक है लेड के मोल्ड बनाते थे ठीक है बहुत अच्छे तो ये इसमें मास्टर बन गए ड्रॉइंग ऑन दिस नॉलेज ही यूज टू डिजाइन हिज न्यू इनोवेशन और इस इस नॉलेज के बेसिस पे नई नई इनोवेशन करते रहते थे ठीक है

प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल आया और जो मोल्ड यूज किए जाते थे ठीक है तो उन्होंने क्या किया कि मेटल जो लेटर्स uh, के जो मेटल uh, जो जैसे आकार के थे ना उस आकार के उन्होंने लेटर्स जो है बनाने चालू कर दिए अल्फाबेट के लेटर्स बनाना उन्होंने सोचा कि भाई इससे बनाते हैं ठीक है तो 1448 बाइबल तो फिर ऐसे करके और पहली बुक जो इन्होंने प्रिंट की Bible. Bible इन्होंने पहली बुक प्रिंट की प्रिंटेड बुक्स एट फर्स्ट क्लोजली रिसम्बल द रिटन मैन इन अपियरेंस एंड लेआउट जो पहले मतलब इससे जो बुक प्रिंट की जा रही थी वो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे किसी ने मतलब manuscript जो हाथ से लिखी हुई किताबें हैं वैसे ही, करती थी, वैसे ही देखने में लगती थी 1450 से 1550 तक प्रिंटिंग प्रेस वर थीटअप इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप और धीरे धीरे देखें तो 1450 से 1550 में बहुत सारी प्रिंटिंग प्रेस जो है वो सेटअप हो गई थी यूरोप की अलग अलग कंट्रीज में ठीक है प्लेटिन प्लेटिन क्या होता है इट अ बोर्ड विच इज प्रेस्ड ऑन टू द द द द बैक ऑफ़ पेपर टू गेट फ्रॉम टाइप ठीक है तो आपको जो टाइप करना है ठीक है तो एक बोर्ड प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट अब भाई प्रिंट रेवोल्यूशन कैसे आया और उसका क्या इम्पैक्ट रहा ये देखेंगे एक नई रीडिंग पब्लिक आ रही थी देखो भाई लोग बागों के मन में पढ़ने का जुनून आ रहा था लोग बाग बहुत पढ़ना चाहते थे रीड करना चाहते थे, ठीक है तो जैसी जो प्रिंटिंग प्रेस आई थी, आया जो प्रिंटिंग प्रेस आई थी इसकी वजह से रीडिंग पब्लिक इमर्ज हो गई थी मतलब तो लोग बागों को रीड करना बहुत अच्छा लग रहा था ठीक है रीडिंग पब्लिक इमर्ज होकर आई द टाइम एंड लेबर रिक्वायर टू प्रोड्यूस ईच बुक केम डाउन ठीक है अब जितना टाइम और जितनी लेबर एक बुक को बनाने में लगती थी वो भी कम हो गई कम टाइम में और कम लेबर में अच्छी बुक्स जो है प्रोड्यूस होने लगी बुक की जो कॉस्ट थी वो भी कम हो गई थी ठीक है मार्केट में बुक्स अच्छी खासे अमाउंट में फ्लड हो रही थी ठीक है अच्छी खासी बुक्स वहां पे थी ठीक है और हर मतलब जो भी रीड करना चाह रहा था उस तक वो बुक्स जो है पहुंच रही थी ड्यू टू प्रिंट रीडिंग पब्लिक पहले लोग सुनना पसंद करते थे ठीक है? लोग पहले सुनना पसंद करते थे, कोई रीड करके सुना पढ़ा मतलब तो रीड कर रहा और वो हम सुन रहे हैं बट अब लोग चाहते थे कि हम खुद रीड करें ठीक है तो हियरिंग पब्लिक जो है वो क्या हो रही थी वो शिफ्ट हो रही थी रीडिंग पब्लिक की तरफ ठीक है तो रीडिंग वाले पब जो रीडिंग पब्लिक है वो ज्यादा देखने को मिल रही थी नाउ बुक्स कुड रीच आउट टू वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल और बहुत सारे लोग अब बुक्स जो है पढ़ रहे थे डिफरेंट डिफरेंट लोगों तक जो है किताबों का जो कल्चर है बुक्स का कल्चर पहुंच रहा था ठीक है तो हम यहां देख रहे हैं ना कितना एक रिवोल्यूशन आ रहा है है ना लोग बागों की थॉट प्रोसेस चेंज हो रही है लोग बाग सोच रहे हैं कि हमको क्या चाहिए हमको खुद पढ़ना है हमको रीडर नहीं हमको रीडर बनना है हमको हियर नहीं बनना है ठीक है तो ये देख रहे हैं हम रिलीजियस डिबेट एंड द फेयर ऑफ प्रिंट अब ये देखते हैं इसमें क्या मैनी no अब लोगों को ये भी लग रहा था कि अगर इस प्रिंट कल्चर पे लगाम नहीं लगाई गई तो जो आ, मतलब जो लोग हैं वो हो सकता है रिलीजन के खिलाफ कुछ भी लिखने लगे वो रिबेलियस चीजें लिखने लगे और जो कि नुकसानदायक हो सकती तो लोगों को यह लग रहा था ठीक है रिलीजियस रिफॉर्मर्स जैसे मार्टिन किंग एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे इन्होंने बोला इन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया द प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च ठीक है लूदर ने एक ट्रांसलेशन किया था न्यू टेस्टमेंट का जिसकी वजह से चर्च में बहुत ज्यादा डिविजन हो गए थे और लोग प्रोटेस्ट करने लगे थे ठीक है रिफॉर्म रिफॉर्मर्स हमें देखने को मिल रहे थे उसकी वजह से प्रोटेस्ट करने लगे थे रोमन चर्च बिग्न इंक्विजीशन टू रिप्रेस हेरिटिकल फिफ्टी रोमन चर्च बिग्न टू मेंटेन में एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स और रोमन चर्च 1558 फिफ्टी में क्या एक मतलब ये बुक्स प्रोहिबिटेड है अगर मतलब यू के नॉट रीड ये बुक्स आपके लिए नुकसानदायक है प्रोहिबिटेड ऐसा उन्होंने सेक्शन बना दिया था इंडेक्स बना दिया था कि ये बुक्स जो है आपके लिए प्रोहिबिटेड है क्योंकि ऐसी जो बुक्स लेके आ रहे थे लोग वो अपने आइडियाज उसमें पुट कर रहे थे तो लोग जो है प्रोटेस्टेंट बन रहे थे रिफॉर्मर्स बनते जा रहे थे ठीक है इफेक्ट ऑफ प्रिंट रिवॉल्यूशन प्रिंट रिवॉल्यूशन का इफेक्ट क्या पड़ा तो ऑबवियसली बात जाहिर सी बात है चीज हम पहले भी डिस्कस कर, चुक, कर चुके हैं कि जो बुक्स का कॉस्ट था वो कम हो गया ठीक है प्रिंटिंग की वजह से बुक्स का कॉस्ट कम हो गया था टाइम जो लगता था कम हो गया था लेबर जो उसमें लगती थी वो कम हो गई थी जो आ, मतलब और प्रोडक्शन ज्यादा हो गया था बुक्स अच्छी खास अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस प्रडु, प्रडु, हो रही थी और लेबर टाइम ये सब कम लग रहा था ठीक है इजिली बहुत ज्यादा कॉपीज जो है प्रोड्यूस हो जाती थी ठीक है आइडियाज जो है एक चीज ये देखो ना कि बुक्स आ रही हैं लोग बाग ज्यादा बुक्स पढ़ रहे हैं लोग बागों की थॉट प्रोसेस चेंज हो रही है तो आइडियाज हैं लोगों के देखो अब जैसे मेरे आइडिया हैं मैं कुछ लिखना पसंद करूंगी तो कोई कुछ लिखना पसंद करेगा तो मेरी अगर बुक फेमस हो गई तो मेरे आइडियाज लोगों तक पहुंच रहे हैं लोग मेरी आइडियोलॉजी हो सकता है फॉलो करें तो आइडिया और जो डिबेट हो गए डिस्कशंस हो गए ये पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट हो रहे थे इन बुक्स की मदद से सोसाइटी में सर्कुलेट हो रहे थे तो बहुत ज्यादा चेंज आ रहा था लोगों की थॉट प्रोसेस चेंज हो रही थी ठीक है नए इंटेलेक्चुअल एटमोसफियर डेवलप हो रहा था ठीक है वही नए नए आइडियाज़ जो हैं वो वर्ल्ड में फैल रहे थे सोसाइटी में नए आइडियाज आ रहे थे नए नए रिफॉर्मेशन हो रहे थे ठीक है लोग बाग रिफॉर्मर्स बन रहे थे कि हमको बदलाव लेके आना चेंज आ रहा था सोसाइटी में ठीक है इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ फेथ इवन अमंग लिटिल एजुकेटेड पीपल जो लोग हैं वो इंडिविजुअली इंटरप्रेट कर रहे थे चीज़ों को अपनी तरह से इंटरप्रेट कर रहे थे इवन जो थोड़े बहुत भी एजुकेटेड लोग थे वो भी अपनी तरह से अपनी अपने फेथ के अकॉर्डिंग चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहे थे द राइटिंग ऑफ एनलाइट थिंकर्स हेल्प इन फ्रेंच रिवोल्यूशन और जो कुछ एनलाइटेड थिंकर्स थे जो बहुत बहुत कहते हैं ना वाइज थिंकर्स थे कि भाई फ्रीडम होनी चाहिए इक्वालिटी होनी चाहिए ये सब जो इलाइटेड थिंकर्स थे उनकी आइडियाज़ की मदद से उनकी बुक्स की मदद से जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ वो इन्हीं बुक्स की मदद से लोगों ने आइडिया ले रिफॉर्मर्स बने लो, लोगों की थॉट प्रोसेस चेंज हुई और फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ ठीक है अब बैलेट क्या होता है भाई तो बैलेट एक हिस्टोरिकल अकाउंट या फिर फोक टेल होता है यूजुअली संग और रिसाइट ठीक है तो एक एक फोक टेल होती है ठीक है एक एक कहानी एक फोक कहानी होती है जो या तो उसको गाते हैं ठीक है या तो उसको रिसाइट करते हैं ठीक है टेवर्स क्या होते हैं प्लेसेस वे पीपल गैदर टू ड्रिंक एल्कोहल ऐसी जगह जहां पे लोग इकट्ठे होके बैठते हैं एल्कोहल पीने के लिए फूड खा मतलब खाना खाते हैं फ्रेंड से मिलते हैं न्यूज मतलब काइंड ऑफ रेस्टोरेंट समझ लो है ना काइंड ऑफ रेस्टोरेंट समझ लो तो टेवंस होते थे वहां पे लोग मिलते थे दारू पीते थे खाना खाते थे अपने लोगों से दोस्तों से मिलते थे और डिस्कशंस करते थे न्यूज करते थे ठीक है न्यूज एक्सचेंज करते थे एक दूसरे से ये करते थे ट्रेवंस में ठीक है अब भाई हम देखेंगे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्या है तो सिक्सटीन प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन से ये सोचो ना प्रोटेस्ट हो रहा है कुछ रिफॉर्म हो रहा है यहाँ पे ठीक है तो so, 16th सेंचुरी मूवमेंट टू रिफॉर्म द कैथोलिक चर्च डोमिनेटेड बाय रोम ठीक है कि भाई एक 16th सेंचुरी में एक मूवमेंट चला कि जो चर्च है कैथोलिक चर्च है उसको रिफॉर्म किया जाए ठीक है रोम में ये हो रहा था मार्टिन लूथर वाज वन ऑफ द मेन प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स मार्टिन लूथर जो थे वो सबसे बड़े रिफॉर्मर थे इसमें से सेवरल ट्रेडिशंस ऑफ एंटी कैथोलिक क्रिश्चियनिटी डेवलप्ड आउट ऑफ द मूवमेंट और बहुत सारे ऐसी ट्रेडिशन हमें देखने को मिलते हैं ऐसे ट्रेडिशन डेवलप होके आए जो एंटी कैथलिक क्रिस्टियनिटी को लेके थे ठीक है तो ये सब हुआ अब रीजन ऑफ प्रिंटेड बुक्स बिकेम पॉपुलर अमंगस इिटरेट पीपल जो लेस लिटरेट पीपल थे जो कम पढ़े लिखे लोग थे उनके बीच में बुक्स जो है वो क्यों पॉपुलर हो गई तो जो पढ़ नहीं सकते थे दोज हुनोट रीड

तो वो जाते थे बुक्स को सुनते थे ठीक है बुक्स को सुनते थे उनको इंजॉय uh, करते थे ठीक है और फोक सॉन्ग्स आते थे तो भाई दे वर वेरी मच इंटरेस्टेड इन फोक सॉन्ग्स फोक सॉन्ग्स या फिर फोक लोर जो होती है ठीक है उनकी कहानियां सुनने में बुक्स पब्लिश की जाती थी जो uh, मतलब पिक्चर्स होती थी जिनमें तो उनको देख के उन्हें अच्छा लगता था ठीक है उसके बाद भाई रूरल मीटिंग्स में और पब्स वगैरह में इनमें ये बुक्स को पढ़ के सुनाया जाता तो दे यूज टू एंजॉय इलिटरेट जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है उनमें भी जो बुक का कल्चर है बहुत ज्यादा फेमस हो रहा था ठीक है सो दिस वाज द पार्ट वन ऑफ द चैप्टर इसका एक पार्ट और आएगा उसमें हम पूरा चैप्टर फिनिश कर लेंगे ठीक है तो इस लेक्चर के आप किसी भी लेक्चर के आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं यू कैन डाउनलोड दो नोट्स फ्रॉम आर स्कोपलेस ऐप ओके तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बाय बाय बच्चों